हेलो लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस। इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिकल और किन्सियन अप्रोच में कि इन दोनों में किस तरह डिफरेंसेज होते हैं। तो क्लासिकल जो है कि हमारा ट्रेडिशनल व्यू को बताता है, और जो है कि किन्सियन हमारा जो है कि जो 1929 में जो हमारी मंदी आई थी, रिसेशन हुआ था, उसके बाद के जो अप्रोच निकाले थे किन्सियन ने अपने बुक जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी और जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और आउटपुट मनी। ये जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आउटपुट एंड मनी इन 1936 में इन्होंने निकाले थे। तो क्लासिकल और किन्सियन के अप्रोच के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं ऐसे समरी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्लासिकल जो है, क्लासिकल में हमारा जो मार्शल आते हैं, जेबी से आते हैं, पीगू आते हैं, ये लोग हमारे क्लासिकल में आते हैं। और किन्सियन में तो किन्स से स्टार्ट ही होता है। तो क्लासिकल जो व्यू होता है वो होता है कि ये जो है कि बोलते हैं कि मार्केट में एक मार्केट मैकेनिज्म काम करता है इकोनॉमी में, जो कि अगर कोई भी सप्लाई और डिमांड में फ्लक्चुएशन होता है तो मार्केट मैकेनिज्म अपने आप जो है उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आ जाता है। और ये बोलते हैं कि ये लॉन्ग रन में एग्जिस्ट होता है। तीसरा, ये बोलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होती है हमेशा इकोनॉमी में। और एक फेमस स्टेटमेंट है जेबी से का, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड जेबी से का जो है कि फेमस है, जिसपे किन्स अपोज करते हैं और कहते हैं नहीं, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। और जो है कि क्लासिकल कहते हैं कि प्राइस और जो है कि वेजेज जो है कि हमारा जो है फ्लैक्सीबल होते हैं, वो जब भी इसमें मार्केट में एग्रीगेट डिमांड सप्लाई में फ्लक्चुएशन होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है अब मार्केट जो है उन्हें बैलेंस कर लेता है। जबकि किन्सियन ये बोलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक स्पेशल केस है, ये कोई जनरल फिनोमेना नहीं है। और वो ये बोलते हैं कि हम शॉर्ट रन में जो है इक्विलिब्रियम में अचीव कर लेते हैं, लेकिन ये कोई फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में चाहिए होता है तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम ऑफ डिफिशियंट डिमांड इंक्रीज हो जाता है। ये जो है किन्स बोलते हैं। और ये बोलते हैं कि दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होना चाहिए मार्केट में, जिससे कि क्योंकि सारी चीज़ें जो है मार्केट मैकेनिज्म पे नहीं छोड़ सकते, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए। और ये प्राइस और वेज रिजिडिटी की बात करते हैं। कहते हैं कि पीगू ने एक बार कहा था कि अगर हमारे जो है कि लेबर को जो कि हम इम्प्लॉयड करने के लिए उनके वेजेज को कट कर देंगे, लेकिन वेज को हम एक लेवल के बाद कट नहीं कर सकते। अगर कट करेंगे तो लेबर सारे जो है कि धरना और ये सारी चीज़ें करने लगेंगे, तो इसलिए हमारा जो है प्राइस और वेज जो है रिजिडिटी होती है इन शॉर्ट रन। और उसके बाद जो है कि हमारा जो है कि किन्स जो ये बोलते हैं कि हमारा डिमांड क्रिएट्स इट ओट्स ओन सप्लाई। और ये किन्सियन का जो अप्रोच है, ये जो है कि बोलते हैं कि मनी जो है कि हम तीन फॉर्म में सेव कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव। तो हम ये सारे अप्रोचेज को बाद में आगे चल के पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से, कैसे ये एज अ होल होता है और फिर कैसे हम आउटपुट प्राइस और ये सारी चीज़ें हम डिटरमाइन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस, मेनली डिफरेंस यही होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल का की स्टडी करता है, कि एक फर्म, एक मार्केट हो गया, एक पर्टिकुलर गुड उसका जो है कि। अब माइक्रो इकोनॉमिक वो पूरे एग्रीगेट, जैसे कि अगर कोई हमारा शूज का मार्केट है तो पूरी जो इंडिया में या हम बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड में जो है उसके मार्केट के अकॉर्डिंग एग्रीगेट वो बिहेवियर की स्टडी करता है। जबकि अगर कोई एक है तो किसी एक कंपनी का, तो वो एक फर्म का हो जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एग्रीगेट बिहेवियर इन एन इकोनॉमी। द नीड फॉर अ स्पेशल ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक अराइजेज बिकॉज व्हाट होल्ड फॉर द इंडिविजुअल यूनिट मे नॉट होल्ड गुड फॉर द एग्रीगेट। कि हम जो इंडिविजुअल यूनिट के लिए हम जो अप्लाई करते हैं वो एग्रीगेट के लिए नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा
अगर हमारा परफेक्ट कंपटीशन है तो उसमें हमारा जो डिमांड कर्व होता है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है, मोनोपॉली में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक। लेकिन जब हम एग्रीगेट जो है मार्केट में हम लेते हैं कि इंडस्ट्री का जो कि क्या होता है डिमांड कर, तो उसको हम जो है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग करते हैं, ये प्री एग्रीगेट का होता है कम, तो हम स्टार्ट, तो इसलिए दोनों में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल फर्म मे बी इन पोजीशन, फर्म मे बी इन पोजीशन टू इंक्रीज इट्स आउटपुट लेवल इन शॉर्ट रन मीट द इंक्रीज डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, कि अगर हमारे जो है एक फर्म है और शॉर्ट रन में हमें डिमांड इंक्रीज हो जाता है तो वो जो है अपने लेबर को, क्योंकि लेबर जो है वेरिएबल है शॉर्ट रन में, और शॉर्ट रन में केवल हम एक फैक्टर को चेंज कर सकते हैं वो है लेबर, और लेबर को इंक्रीज करके हम डिमांड इंक्रीज कर सकते हैं शॉर्ट रन में। लेकिन यही हम लॉन्ग रन में, लेकिन यही शॉर्ट रन में सारे फर्म का नहीं कर सकते, क्योंकि सारे फर्म में जो है कि केवल लेबर, क्योंकि लेबर जो है लिमिटेड है, और वो सारे फॉर्म में इंक्रीज करके केवल लेबर से नहीं हो सकता, सारे फॉर्म के लिए एग्रीगेट के लिए हमें लॉन्ग रन में जो है, हमें लॉन्ग रन में हमें कैपिटल और जो है कि इनपुट जितने भी होते हैं हमारे सबको हमें चेंज करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, तब जा करके हमारी सप्लाई इंक्रीज होती है। बट इफ़ ऑल फॉर्म वॉन्ट टू इंक्रीज देयर आउटपुट लेवल इन द शॉर्ट रन, इट वुड नॉट बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अनलेस दे आर अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, अनलेस दे आर अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, कि उनका कोई यूज ना हो, ठीक। दस द इंक्रीज इन डिमांड में रिजल्ट हाई इन प्राइस विदाउट एनी इंक्रीज इन आउटपुट, क्योंकि जब हम शॉर्ट रन में सारे के सारे एग्रीगेट जब हम इंक्रीज नहीं कर पाएंगे सप्लाई, तो हमारे जो है प्राइसेज इंक्रीज होंगी, क्योंकि हमारा डिमांड जो है कि ज़्यादा है, तो डिमांड सप्लाई हमारा जो है कि वही है, तो हमारे प्राइसेज जो है इंक्रीज हो जाएंगे। थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारा जो है कि एग्रीगेट डिमांड है, और अगर हम पूरे जो है कि इकोनॉमी का लेते हैं तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, और एग्रीगेट सप्लाई ये, ठीक। एग्रीगेट डिमांड में जो है कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ें तो प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जो कि हमारा मार्शल लॉ ऑफ डिमांड कहता है, ठीक। और हमारा जो है कि एग्रीगेट सप्लाई में जो है कि हमारा जो है कि प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, प्राइस और क्वांटिटी में जो है कि हमारा जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो यही पे हमारा ये बता रहा है कि हमारा जो है कि हम आउटपुट और प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, तो ये हो जाता है हमारा एग्रीगेट डिमांड जो कि प्राइस और क्वांटिटी में, क्योंकि ये हमारा एग्रीगेट पूरे इकोनॉमी का है, हम किसी पर्टिकुलर फर्म का नहीं बता रहे, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और उसी तरह जो सप्लाई है वो अपवर्ड स्लोपिंग भी होती है और फिक्स भी होती है, क्योंकि हम इकोनॉमी के लिए अपवर्ड स्लोपिंग लेके चलते हैं, इसमें भी डिबेट है। और लैंड के केस में हम हमेशा वर्टिकल लेके चलते हैं, क्योंकि लैंड की सप्लाई फिक्स होती है, उसको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड हो गया, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई हो गया, ये आउटपुट, यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट और जो है इनकम भी लिख सकते हैं, और जो है यहाँ पे हम प्राइस करते हैं। तो ये इस लेवल पे हमारा जो है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं, वहाँ पे हम जो है इक्विलिब्रियम लेवल लेके आते हैं एट पॉइंट ई, ठीक। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड के बारे, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो एग्रीगेट सप्लाई ऑफ एन इकोनॉमी इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस बाई फर्म इन द इकोनॉमी, कि जो हमारा प्रोड्यूसर आउटपुट को प्रोड्यूस करता है वही हमारा जो है एग्रीगेट सप्लाई होता है इन इकोनॉमी। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म डिसाइड ऑन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दे सप्लाई टू द मार्केट। द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर, एक इनपुट होता है, एक टेक्नोलॉजी। जैसे हम कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को ही ले लेते हैं, ए कैपिटल लेबर अल्फा और बीटा। तो ये तो जो है कि हमारा जो है कि प्रपोर्शन हो जाता है रेशियो कि हम कितने लेबर को कितना और अल्फा और बीटा को जो है कि
अल्फा और बीटा जो है कि हमारा कैपिटल और लेबर का जो है रेशियो हो जाता है कि हम किस प्रोपोर्शन में यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्यू जो है वो हमारा आउटपुट हो जाता है, ए हमारा जो है टेक्नोलॉजी हो जाता है, कैपिटल और लेबर ये हमारा इनपुट हो जाता है। तो आउटपुट जो है वो डिटरमाइंड होता है टेक्नोलॉजी से और इनपुट से, वही ये यहाँ पे बताया हुआ है, आउटपुट से और इनपुट से। तो ये लेबर और इनपुट में जो है कि हमारे दो लेबर और कैपिटल आते हैं। लेबर जो है कि हमारे हाउस होल्ड के थ्रू जो है सप्लाई किया जाता है, और जो है कि कैपिटल जो है स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट स्ट्रक्चर यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड अवेलेबल इन द मार्केट, मशीनरी बिल्डिंग व्हीकल्स, ये सारे हमारे कैपिटल इनपुट हैं। इन्वेस्टमेंट, वी थ्रो इन्वेस्टमेंट वी कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ कैपिटल इनपुट इन द इकोनॉमी। ऑन द अदर हैंड लेबर सप्लाई डिपेंड ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, कि हमारा जो लेबर सप्लाई है वो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ पे डिपेंड करती है कि पॉपुलेशन हमारा किस रेट से इंक्रीज हो रहा है उससे। एज द क्वांटिटी यूज्ड इंक्रीजेज देयर इज इंक्रीज इन आउटपुट, जब हमारा इनपुट जो है कि जिस जैसे कि हमारा जो अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन वन इक्वल टू वन लेस देन वन, तो वो हमारा बताता है कि किस रेट से हमारा जो है आउटपुट इंक्रीज करेगा। तो यही हमारा यहाँ पे करेगा कि इनपुट हम जितनी मात्रा में यूज करेंगे उतनी मात्रा में हमारा जो है आउटपुट इंक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन में। तो एग्रीगेट सप्लाई इज प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ और वेयर एक्स एक्सिस डिनोटेड क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई और वाई एक्सिस डिनोटेड प्राइस ऑफ आउटपुट। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ है, इसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों को दिया है। मैं आपको एग्रीगेट सप्लाई का एक अलग से ग्राफ बना के दिखाती हूँ। ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया हमारा प्राइस, ये हमारा हो गया क्वांटिटी, ये हो गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई। ठीक, इस पे हमारा जो है एग्रीगेट सप्लाई डिटर होता है। ठीक, और ये इसने क्या बोला है कि हाँ सही है, फिर ये हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई का होता है, और जो है कि ये जो ग्राफ है वो एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड दोनों का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो है वाई एक्सिस पे प्राइस है, यहाँ हमारा प्राइस है, और यहाँ पे हमारा जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट है और प्राइस लेवल है। यहाँ पे आउटपुट है और यहाँ पे प्राइस लेवल है। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई पहले ए एस वन है और एग्रीगेट डिमांड ए डी वन है, और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। ठीक, ए, तो इस पे हमारा प्राइस पी वन और क्वांटिटी हमारी क्यू वन हो जाती है। ठीक, जब हम अपने एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करते हैं तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई जो है लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो जब हमारी जो है कि एग्रीगेट सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक, तो जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है तो प्राइसेज इंक्रीज हो जाते हैं, प्राइसेज इंक्रीज होने की वजह से डिमांड हमारा डिक्रीज हो जाता है, तो डिमांड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जब डिमांड हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो प्राइसेज भी गिर जाएंगे और जो है कि हमारी क्वांटिटी भी यहाँ आ जाएगी। तो ये हमारा जो है यहाँ पे आउटपुट लेवल को बताता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि इंडिविजुअल सप्लाई कर जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये ऐसे। इन द केस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर हाउ डिसएग्रीमेंट होता है, डिबेट्स आज भी है कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है या जो है कि इंक्रीजिंग कर्व है। तो इसमें लेकिन हम जो है इकोनॉमिक्स में यूजली जो है एग्रीगेट सप्लाई कर ये अपवर्ड स्लोपिंग ही यूज करते हैं, यही दिया हुआ है इस स्लाइड में। और फिर यहाँ पे हम सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड फॉर लेबर हम करते हैं। तो हमारा जो एक लेबर जो सप्लाई होता है वो हाउस होल्ड के थ्रू होता है और ये डिपेंड करता है हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ पे, प्रिवेलिंग वेज रेट। ठीक, और जो जैसे कि हमारा जो है कि लेबर की वैल्यू जो डिसाइड होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में पूछ लेता है कि हमें लेबर की वेज रेट कहाँ पे डिसाइड होती है, तो मार्जिनल
प्रोडक्टिविटी या फ्लेवर जितना होता है उतना। और जो है कि कभी कभी पूछ लेता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में एमपीएल कितना होता है, तो एमपीएल क्लोज टू जीरो या एमपीएल जो है क्लोज टू जीरो होता है उसको हम अप्रॉक्सीमेटली जीरो मान लेते हैं। ठीक, तो इफ़ वेज रेट इज़ टू लो, यहाँ पे वेज रेट देखिए प्रिवेलिंग वेज रेट, इफ़ वेज रेट इज़ टू लो सर्टेन इंडिविजुअल में आउट ऑफ द मार्केट, ऑप्ट आउट ऑफ द मार्केट। तो अगर ज़्यादा लो होगा तो जो इंडिविजुअल जो है मार्केट से बाहर चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। जबकि अगर ज़्यादा रेट होगा तो अगर हमारा जो है कि उन्हें वेज ज़्यादा मिल रहा है तो सप्लाई ज़्यादा होने लगेगी, तो सप्लाई और जो है कि लेबर सप्लाई और वेज रेट में पॉजिटिव रिलेशन है। अगर सप्लाई प्राइसेज कम है तो सप्लाई कम होगी लेबर की, और प्राइसेज ज़्यादा हैं तो सप्लाई लेबर की ज़्यादा होगी। ठीक, तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लेबर सप्लाई एंड वेज रेट। रिमेंबर डेट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट वी मीन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है कि जो गवर्नमेंट जो रेट डिसाइड की हुई रहती है कि इस रेट पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल काम करना चाहता है और इच्छा रखता है तो उसे काम नहीं मिल पाता है, तो उसे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और हम इसी को जो है इंक्लूड करते हैं, और वॉलंटरी जो लोग जैसे कि हमारा फ्रिक्शनल हो गया, तो इन सारे लोगों को हम ऐड नहीं करेंगे। द लेबर फोर्स और वर्क फोर्स इज सम ऑफ एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड पर्सन। अनएम्प्लॉयड रेट इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स दैट इज नॉट एम्प्लॉयड। ठीक, तो यहाँ पे जो है क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड यल इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ऑफ वेज रेट। इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड का इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड, ये इस ग्राफ का है। हाँ, तो हमारा जो लेबर का होता है वो लेबर का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और हमारा जब सप्लाई और डिमांड का जब इंटरेक्शन होता है तो इससे हमारे जो इकोनॉमी में वेज रेट डिटरमाइन होता है कि जैसे डिमांड फॉर लेबर और जो है सप्लाई फॉर लेबर, तो इस पर हमारा जो है वेजेज यहाँ पर डिटरमाइन होता है कि किस वेज पर हमारा जो है इकोनॉमी वर्क करेगी किस वेज पर। तो यहाँ पर अगर हमारा जो सप्लाई ज़्यादा है तो हमारा जो है कि डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगी, जब डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगी तो उसकी प्राइसेस गिर जाएंगे, और अगर हमारे जो है सप्लाई कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी तो उसके प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये हमारा रिलेशनशिप बताता है। वेज रेट कैन बी मेजर इन नॉमिनल और रियल टर्म। ये W जो है हमारा जो है अगर एक्चुअल तो वो हमारा नॉमिनल होता है, और W/P ये हमारा रियल वेज होता है। इफ़ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस लेवल नॉमिनल वेज रेट डज नॉट इंक्रीज, देयर इज डिक्रीज इन रियल वेज रेट। जैसे कि अगर हमारा जो है कि इन्फ्लेशन को ले लेते हैं, तो अगर हमारा इन प्राइसेज जो है कि वेज रेट हमारा 100 ही है इन 2010, और हमारा प्राइसेज उस वक्त जो था वो 10 था, लेकिन फिर वेज हमारा जो है 100 ही है और प्राइसेज हमारा 15 हो गया इन 2015, तो हमारा रियल वेज रेट यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16.666। तो रियल वेज रेट यहाँ पे हमारा कम हो जाता है। कहने का यही है कि हमारे प्राइसेज इंक्रीज होते हैं तो नॉमिनल हमारा अगर कांस्टेंट रहता है तो हमारे जो है कि रियल मनी जो है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड पे चलते हैं अब हम लोग। एग्रीगेट सप्लाई हमने किया। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी यूज़ द टर्म एग्रीगेट डिमांड टू इंक्लूड द टोटल डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। हम एग्रीगेट डिमांड में हम टोटल डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज इनवर्स फंक्शन इज प्राइस एंड क्वान्टिटी। ये हमारा जो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, और प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो क्वांटिटी हमारी एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड इन व्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग ऑन द गुड एंड सर्विसेज। कि हम एग्रीगेट डिमांड को जो एक्सपेंडिचर या गुड और सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर है कंजप्शन है उस पर देखते हैं। देयर आर फोर मेजर कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। फर्स्ट है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी इन्वेस्टमेंट, आई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर,
नेट एक्सपोर्ट में यक्स माइनस यम आता है, यक्स हमारा एक्सपोर्ट हो जाता है, यम हमारा इम्पोर्ट हो जाता है, तो इसमें घटा देते हैं, जो हमारा होता है वो नेट एक्सपोर्ट होता है। फार्मूला है क्यू डी, डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस यम, ये हमारा है, ये इम्पोर्टेंट है और पूछता भी है पेपर में। तो वेयर क्यू डी जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड है, क्यू डी यहाँ पे होगा, क्यू डी एग्रीगेट डिमांड है, सी इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, आई इन्वेस्टमेंट है, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स एक्सपोर्ट, यम इम्पोर्ट, एक्स माइनस यम नेट एक्सपोर्ट। ठीक, अगर हमारा जो क्लोज्ड इकोनॉमी है तो वहाँ पर ट्रेड होता ही नहीं है, अगर ट्रेड होता ही नहीं है तो एक्स माइनस यम इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो वहाँ पर जो है कि हमारा जो है कि क्यू डी इक्वल्स टू हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी। अब हम इक्विलिब्रियम आउटपुट और प्राइस को देखते हैं। ठीक, तो हम पहले यहाँ पे ग्राफ को देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम आउटपुट पे हम एग्रीगेट सप्लाई जो है कि हमारा अपवर्ड स्लोपिंग इस तरह से होता है और हमारा डिमांड जो है कि डाउनवर्ड होता है, इनके इंटरेक्शन पे ही जो है कि हम जो है अपना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट डिसाइड करते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है कि हम अब यहाँ ग्राफ देखते हैं कि क्या दिया हुआ है ग्राफ। तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, वही पुराना वाला ग्राफ है, एग्रीगेट डिमांड दिया हुआ है, प्राइस और क्वांटिटी। तो ये एग्रीगेट सप्लाई पे ये एग्रीगेट डिमांड हमारा है और इस पे जो है कि हमारे प्राइसेज और ये क्वांटिटी है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो है ये डिटरमाइन होता है। और जो है कि अगर सोच लीजिए, समझ लीजिए कि अगर हमारा जो है कि कंजप्शन में चेंज होने की वजह से या इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से या गवर्नमेंट हमारा जो है कि डिमांड जो है डिक्रीज हो जाता है, तो जो है कि हमारा जो है डिमांड डिक्रीज हो गया है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है डिमांड जो है हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे जो है एग्रीगेट इस सप्लाई वाले पे हमारा जो है प्राइस जो है पी टू है और क्वान्टिटी जो है हमारा क्यू टू है। हमारा जो है कि एग्रीगेट डिमांड जो है कि कंजप्शन इन्वेस्टमेंट में जो है कमी होने की वजह से हमारा डिमांड कम हो जाता है, तो एग्रीगेट डिमांड हमारा जो है कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है ए डी टू। जब हमारा ए डी टू हो जाता है तो हमारा डिमांड कम होने की वजह से जो है कि हमारी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो सप्लाई को भी हमें कम करना होता है। जब हमारा सप्लाई कम होता है तो हमारा जो है कि प्राइसेज भी कम हो जाते हैं, और जब प्राइसेज कम हो जाते हैं और उसके बाद जो है कि हमारा सप्लाई कम करने की वजह से हमारा जो है एम्प्लॉय, क्योंकि हम जो है कि हम शॉर्ट रन में जो है कि लेबर से ही जो है कि हम घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, तो हम जो है कि लेबर को ही घटाते हैं तो भी जाके हमारा आउटपुट कम होता है शॉर्ट रन में। तो हमारा जब लेबर कम हो जाता है तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाने से जो है हमारे जो है कि प्राइसेज जो है सप्लाई जो है कि हमारी जो है इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारा जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है और जो है कि हमारा जो तो क्योंकि लेबर निकल जाते हैं, लेबर के निकलने से जो है कि हमारा वेज वो कम होता है तो कास्ट भी हमारी कम हो जाती है, कास्ट कम हो जाती है तो हमारा जो है क्वांटिटी की जो प्राइस है वो सस्ती हो जाती है। ऊपर से जो है कि हमारे जो है सप्लाई जो है कि क्योंकि रियल जो है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है तो हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो सप्लाई हमारी आ जाती है ए एस टू, ये इस पॉइंट पे सप्लाई हमारी आ जाती है। तो इस सप्लाई पे आ जाने के बाद जो है कि हमारा फिर से इकोनॉमी जो है क्योंकि यहाँ पे ए डी वन और तो यहाँ पे हमारा सप्लाई जो है फिर इक्विलिब्रियम पे आ जाता है हमारी, क्योंकि यहाँ पे फिर हमारा जो है प्राइस डिटरमाइंड होता है। तो हम इसके बाद जो है कि यहाँ पे पढ़ लेते हैं ग्राफ का कि एग्रीगेट जो है कि हमारा जो है कि जब हमारा एग्रीगेट डिमांड में हमारा जो है चेंज होता है तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट करता है, डाउनवर्ड शिफ्ट करने के बाद हमारा जो है कि डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है तो हमारा जो है कि राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो है कि हमारा वेज लेबर कम होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो हमारा जो कास्ट हो जाएगी वो कम हो जाएगी, कास्ट के कम हो जाने से हमारा जो है प्रोडक्शन और जो है कि प्राइस वो दोनों कम हो जाएंगे। जब हमारा प्राइस कम हो जाएंगे तो हमारा डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, इससे भी ले सकते हैं। और जो है कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी हमारा जब जो है कि डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कि हमारा जो है कि सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो द होल प्रोसेस जो है कि इसमें जो है कि हमारा जो नॉमिनल वेज ऑफ प्राइस है
वो चेंज होता रहता है, वो एक कांस्टेंट लेवल पे बना हुआ नहीं है। तो शॉर्ट रन में हमारा जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भले ही कम हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट रन में जो है कि हमारा चेंज हो जाता है, ये हमारा जो क्लासिकल बोलते हैं, लेकिन लॉन्ग रन ये फिर से आके अपना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो जाता है। सो लॉन्ग ऑन आउटपुट रिमेन बिलो फिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, देयर इज टेंडेंसी फॉर वेज रेट टू डिक्लाइन। क्योंकि अगर हम जो है कि लॉन्ग रन में जो है कि इंक्रीज करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक, तो हमारा वेज जो है कम हो जाता है। ठीक, तो थ्रू एडजस्टमेंट इट वेज रेट और प्राइस द आउटपुट लेवल रिकवर टू इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑल्दो विद कंसिडरेबल डिले। वंस फुल एम्प्लॉयमेंट इज रियलाइज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड रिजल्ट इन प्राइसेज। क्योंकि जब हमारा जो है कि सप्लाई जो है पूरी हमारी जो फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, तो सप्लाई पूरी की पूरी यूज हो जाएगी, तो ये वर्टिकल हो जाएगा हमारा एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट सप्लाई हमारा जो है कि वर्टिकल हो जाएगा, तो हमारा जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई तो फिक्स है ना, तो सप्लाई फिक्स है, तो हमारा जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो उसके केवल प्राइसेज ही तो बढ़ेंगे, तो वो इन्फ्लेशन ही तो लेके आएगा। तो दस फ्लक्चुएशन इन आउटपुट वेज रेट एंड प्राइस लेवल आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सच फ्लक्चुएशन आर ऑप्टन सिस्टमेटिक एंड कॉल्ड बिजनेस साइकिल। कि इस तरह से जो हमारा जो है कि इकोनॉमी में जो चेंज होता है, कि किस तरह हमारा एग्रीगेट डिमांड कम होता है एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट डिमांड कम होने से जब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम इंक्रीज हुआ, कास्ट डिक्रीज हुआ, सप्लाई हमारी इंक्रीज हुई, तो उसके बाद जो है कि हमारा जो है कि ये प्रोसेस जो है इस तरह का आ जाता है फ्लक्चुएशन का इकोनॉमी में, तो ये हमारा बिजनेस साइकिल को बताता है। तो ये हमारा जो था ये लास्ट स्लाइड था। इसके बाद जो है कि अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट डालेंगे, तो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।